वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3 तारीख है आज, और आज जो है मतदान का जो है मतलब रिजल्ट है, और हम हैं जाफर खेड़ी विदिशा। और भाई साहब इतनी भयंकर भीड़ है यार, यहाँ पे देखो तो सही क्या भयंकर भीड़ हो रखी है, और आवाजाही लोगों की रोड बहुत लंबा पड़ी है, और यहाँ पर रिजल्ट घोषित हो रहा है। तो अब क्या है कि बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं ऐसा इनका कहना है, और हम आए हैं लाइव देखने के लिए वही भीड़ भाड़। यहाँ पे देखो आप, ऐसा का मेला लगाओ और गाड़ियाँ बहुत ही भयंकर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और सामने आप देखोगे ना भर भर के भीड़ है भाई। ये देखो भारतीय जनता पार्टी 13,000 से आगे चल रही है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं शासकीय आदर्श महाविद्यालय, जहाँ पे चल रहा है शुरू से ये जो है स्ट्रांग रूम रहा है, और सारी की सारी जो है जनगणना यहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं मीडिया सेंटर की तरफ, जहाँ पे काफी सारी भीड़ होगी। किसके लिए नारे लगाए जा रहे गाड़ियों ने भगा दिया यार सबको। कांग्रेस समर्थक जाते हुए तो भाई ये देखो भीड़, और हम जा रहे हैं वापस। बीजेपी 13,000 कुछ वोटों से आगे चल रही है इस वक्त। ठीक है, 39,000 वोट जो है बीजेपी के काउंट हुए थे, और 26,000 कांग्रेस के काउंट हुए थे, और जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं वो वापस जा रहे हैं निरंतर। ठीक है, और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो हम भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है 2-3 बजे तक क्लियर हो जाएगा। गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी होगी। बहुत भीड़ है यार, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये सब आ रहे हैं स्ट्रांग रूम पे रिजल्ट देखने के लिए, और इतना मेले में भी नहीं लगा हुआ। दूर दूर से आ रहे हैं लोग, देखो, और जहाँ तक नजर जाएगी ना वहीं तक गाड़ियाँ दिखेंगी।
भाई साहब लंबे चौड़े जाम में से निकल के और हम आ गए हैं मेन रास्ते पे, ठीक है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग रूम ये बनने से पहले ही बनाया गया था। उसके पहले ये कच्चा रास्ता था, बहुत ही गंदा, ऐसी गिट्टी पड़ी हुई थी इस पे। और स्ट्रॉन्ग रूम जैसे ही बना, इसको चकाचक बना दिया। देखो कितना शानदार रास्ता है। और अब इसी रास्ते से हम जा रहे हैं वापस।